नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ। 18 जून को अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री सिरसा पहुंच रहे हैं और उस अवसर पर कैसे लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये हम आपको पूरी वीडियो में दिखाएंगे। फिलहाल राजकुमार शर्मा जी के पास मौजूद हैं और जानते हैं कि लोकतंत्र को कैसे दबाया जा रहा है। अगर इससे पहले की बात करें तो सीएम साहब का जनसंवाद का कार्यक्रम था, जब जनता ने आवाज़ उठाई, अपने सवाल पूछे तो कर दिया घरों में नज़रबंद। अब अमित शाह जी की रैली है, बता रहे हैं कि 9 सालों का जो विकास है उसके बारे में बताया जाएगा कि बीजेपी सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है। लेकिन एक बड़ा सवाल राजा प्रजा के बीच आ रहा है। प्रजा को पूछने का कोई अधिकार नहीं है। हर तरफ देखा जाए, पूरे अगर सिरसा हरियाणा में से सिरसा जिले की बात करी जाए तो 550 से ज़्यादा जो गिरफ्तारियों के जो नोटिस हैं वो पहुंच रहे हैं। किसानों के पास भी नोटिस पहुंच रहे हैं कि आप दंगा कर सकते हैं। राजकुमार शर्मा जी के पास भी नोटिस पहुंचा है कि माहौल खराब कर सकते हैं। तो पूरा मामला क्या है, इस पर क्या कहना चाहते हैं, बात करवाते हैं राजकुमार शर्मा जी के साथ। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, आपका भी स्वागत है। ऐसा जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी 18 जून को सरसा रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि इतने बड़े लोकतंत्र का गृह मंत्री हमारे सरसा शहर में आ रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर हर एक राजनीतिक पार्टी को अपनी विचारधारा जनता के बीच ले जाने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम कर रही है, कांग्रेस पार्टी जनसंवाद और हाथ से हाथ जोड़ों के अभियान का चल रहा है। लोकदल वाले चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की परिवर्तन यात्रा चल रही है, जजपा के भी कार्यक्रम है, आम आदमी के मुख्यमंत्री ने भी जींद में भी रोड शो किया है। परंतु ये पहली बार है कि जिस जगह पर श्री अमित शाह जी की रैली आयोजित की गई है और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की गुटबंदी और रैली के प्रति जो लोगों में कोई उत्साह नज़र नहीं आ रहा, उससे बुखलाट के अंदर और तो इनके पास कोई जरिया बचा नहीं, उस बुखलाट के कारण ये विपक्ष के नेताओं को, किसान नेताओं को, सरपंचों को नोटिस जारी करके लठतंत्र के द्वारा दबाना चाहते हैं। परंतु प्रजातंत्र के अंदर अगर जनता की आवाज़ उठाना, लोगों के हितों की बात करना अगर गलत है, हमारे परिवार पर मेरे को नोटिस दिया गया है कि आपसे अमन शांति भंग होने की अंदेशा है, आप इतनी तारीख को SDM कोर्ट में पेश होकर अपनी जमानत कराओ और 6 महीने के लिए लिख के दो कि मैं कोई प्रदर्शन रैली या धरना नहीं करूँगा। तो मैं तो कांग्रेस का प्रदेश का प्रतिनिधि हूँ, हमने चुनाव लड़ा विधानसभा कांग्रेस की टिकट पर, हम कैसे प्रदर्शन नहीं करेंगे? हम जनता की आवाज़ के लिए प्रदर्शन भी करेंगे, धरने भी पड़ेंगे, अगर गिरफ्तारी देनी पड़ी तो गिरफ्तारी भी देंगे। इससे मैं इस नोटिस से हम घबराने या डरने वाले नहीं है, ये नोटिस हमने बहुत देखे हैं। परंतु लोकतंत्र के लिए बड़े खतरे की बात है कि अपनी बुखलाट ये है जो लोकतंत्र के अंदर किस प्रकार लठतंत्र के द्वारा दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे नोटिस आपको मिला है तो राजकुमार शर्मा जी, आपके परिवार पर जैसे बेटे मोहित का नाम भी है, आपके परिवार के ऊपर पहले भी ऐसा कोई पर्चा वगैरह है जिससे कोई दंगे वगैरह का मामला हो? ऐसा जी, हमारे परिवार पर आज तक कोई इस तरह का पर्चा वगैरह दर्ज नहीं है। मेरे पिताजी ने भी 40 साल तक कांग्रेस पार्टी की सेवा करी और जनता की आवाज़ उठाने का काम किया है। आज भी मैंने जब मुख्यमंत्री मोदी आए थे, 3 दिन का जनसंवाद था, तो मुख्यमंत्री मोदी से यही सवाल किया था कि 9 वर्ष आपके हो गए लगभग शासन को और आपने सिरसा जिला के लिए 135 विकास की घोषणाएं की हुई है, उन घोषणाओं पर आज तक एक ईंट भी नहीं लगी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो बाईपास की बात हो, चाहे वो सिटी थाने के पार्किंग की हो, कपास मंडी की बात हो, कोई भी घोषणाएँ आपकी लागू नहीं है। आप जनसंवाद करने आ रहे हो, उस बात से घबरा कर उन बातों का जवाब देने की बजाय मुझे घर पर नज़रबंद कर दिया गया। अब अमित शाह जी आ रहे हैं तो मैंने अपने विधानसभा के कार्यकर्ताओं को एक बैठक 17 जून को रखी है कांग्रेस हॉल में और कल मैंने प्रेस के माध्यम से एक सवाल किया था कि जिस प्रकार आप जो अमित शाह जी की रैली का स्थल है अनाज मंडी, उसके आसपास तो सारा प्रशासन, सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी रात दिन ऐसे लगे हुए हैं जैसे इस एरिए को सिंगापुर पर चुरा के छोड़ेंगे। इसके अलावा भी सरसा शहर और बसता है, 90% आज शहर है इस मंडी के अलावा, आप वहाँ भी दौड़ा के देखो, वो लोग नरक का जीवन जीने को मजबूर है। आज सारे शहर की सड़कें टूटी हुई है, जो शिवपुरी है जहाँ सब ने अंतिम यात्रा में जाना है, उस सड़क का दुर्दशा देखो, हिसार रोड ले लो, कंगनपुर रोड ले लो, भादरा बाजार, रोड़ी बाजार, कबीर चौक से ले सद्भावना मार्ग, कोई सड़क ऐसी नहीं है जो टूटी हुई ना हो। जहाँ से अमित शाह जी ने एयरपोर्ट से आना है बड़ी रोड से, उस रोड पर जाके अब उन्होंने 2 दिन में काम शुरू किया है, 1.5 साल से वो सड़क टूटी हुई है। तो मेरा यही सवाल था कि अमित शाह जी, जो रूट आपको प्रशासन ने दिया है, उस रूट से आप अलग होकर
अपनी गाड़ी में रोड शो करो, आप असली तो देखो सर की क्या है, किस प्रकार इन्होंने 9 साल भ्रष्टाचार के जरिए करोड़ों रुपया जो नगर परिषद में है उसको लूटने का काम किया, चाहे वो डस्टबिन घोटाला हो, चाहे वो लाल पीली पट्टी लगाने का घोटाला हो, चाहे सड़कों पर पेचवर करने का काम हो, किस प्रकार इन्होंने कमेटी को लूटा है। तो हमारा ये सवाल था, इस सवाल के लिए घबरा कर जवाब देने की बजाय इन्होंने मुझे नोटिस दे दिया है भाई आपसे शांति भंग होने की आशंका है। अगर हमारे से इस प्रकार के शांति भंग होगी तो हम 100 प्रकार इस तरह के कार्य करेंगे, लोगों की आवाज़ को उठाएंगे। हम इन नोटिस को ना घबराने हैं ना दबने वाले हैं, ना मैं कल SDM कोर्ट में जमानत लेने जाऊँगा। पुलिस है, मुझे गिरफ्तार करे, जो मर्जी करे, मैं तैयार हूँ, परंतु जनता की आवाज़ मैं उठाऊँगा। हमारा मकसद इस रैली में किसी प्रकार का व्यवधान डालने का नहीं था, ना पहले था ना आज है, क्योंकि हम भी लोकतंत्र में एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रतिनिधि हैं और सबको रैलियाँ करने का, अपनी बात करने का अधिकार है। परंतु ये आप लठ तंत्र के सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके विपक्ष को जो दबाने का प्रयास कर रहे हैं वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाखों का दावा किया जा रहा है कि लाखों की संख्या में है जो अमित शाह को देखने के लिए आएंगे, उस पर क्या कहना चाहते हैं? सर, इस रैली के अंदर भाजपा में दो गुट बन गए, एक पुराने भाजपा, एक नए भाजपा। पुराने भाजपा तो ये कहते हैं भाई नए भाजपा नीचा देखे, नए वाले ये चाहते हैं भाई ये पुराने के पल्ले कुछ है नहीं, इनको खत्म करें। एक बीजेपी का नेता ने कल दावा किया कि इस रैली में 1 लाख लोग होंगे, एक मंत्री है जो सरकार के वो कहते हैं भी 40,000 आदमी मेरे होंगे, एक आदमी जो बीजेपी के अब तक प्राथमिक सदस्य भी नहीं है वो राजस्थान से 200 भेज के कह रहे हैं भी 40,000 आदमी तो मेरे अकेले के होंगे। इस प्रकार तो लाखों आदमियों की इन्होंने गिनना कर दी भी यहाँ लाखों लोग होंगे, परंतु जिस साइड के अंदर ये रैली की जा रही है उस साइड में 240x360 का साइड है लगभग, ये उसमें 7,000 से ऊपर कुर्सी नहीं लग सकती, 10,000 आदमी टोटल नहीं आने मंडी के अंदर, लाखों का दावा कर रहे हैं। और आज भी जो लोग आ रहे हैं इस रैली के प्रति हरियाणा वासियों में कोई उत्साह नहीं है, सिर्फ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर पुलिस के कर्मचारी सरकार के कर्मचारी लगाकर भीड़ जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी बुखलाहट का कारण है कि हमें ये नोटिस दिए जा रहे हैं, क्योंकि आज रैली के प्रति आम पब्लिक में कोई उत्साह नहीं है।